नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हरियाणा में अब कार व चार मंजिला मकान वाले भी माने जाएंगे गरीब। सीएम ने बताया गरीबी का नया मापदंड। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में राज्य में गरीबी को लेकर नए मापदंड बताए हैं। उन्होंने कहा कि 1,80,000 रुपए की सालाना आय वाले लोग राज्य में गरीब व श्रेणी में आएंगे, भले ही उनके पास कार या चार मंजिला मकान हो। सेना को मिलेगी स्वदेशी सामान की दूसरी लिस्ट। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का नया प्लान। सरकार ने यह भी कहा है कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टरों की खरीद के मामले को मौजूदा प्रक्रियाओं के अनुसार आगे बढ़ाया जा रहा है। बीएसएनएल 18 से 24 महीने में शुरू करेगी 4G सेवाएं। सरकार ने संसद में बताया निजीकरण की कोई योजना नहीं। संसद के बजट सत्र में आजकल सरकार निजीकरण को लेकर अपना पक्ष साफ करने में जुटी है। सरकारी बैंकों रेलवे के बाद अब सरकार ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल के निजीकरण को लेकर कहा है कि बीएसएनएल के निजीकरण की कोई भी योजना नहीं है। लोगों तक पहुंचने से पहले बर्बाद हो रहा टीका, अब तक 6.5% का नुकसान। वैक्सीन ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी और कोरोना संक्रमण की श्रृंखला बढ़ती जाएगी। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि ये वैक्सीन समाज के लिए बहुमूल्य है, ये लोगों की जान बचा रही है, इसलिए इनका अधिकतम उपयोग होना चाहिए। वैक्सीन की बर्बादी पूरी तरह से रोकनी होगी। गाजियाबाद और नोएडा में धारा 140 लागू। आयोजनों के लिए इजाजत अब जरूरी। गाजियाबाद में जहां 10 मई तक के लिए इसे लागू किया गया है, वहीं नोएडा में 30 अप्रैल तक के लिए निषेधाज्ञा लगाई गई है। इसके तहत अब किसी भी प्रकार के धार्मिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। इन कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आधार कार्ड से लिंक न होने पर केंद्र सरकार ने रद्द किए थे 3 करोड़ राशन कार्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा 4 हफ्तों में जवाब। आधार कार्ड से लिंक न होने पर केंद्र सरकार ने 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए थे। इससे संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा बताया और केंद्र व सभी राज्यों की सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। हरियाणा में कृषि उपयोग वाली भूमि पर नहीं लगेगा कोई प्रॉपर्टी टैक्स। हरियाणा में अब शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमियों पर कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। संपत्ति कर लगाने वाली धारा में ही संशोधित प्रावधान के द्वारा केवल कृषि के लिए ही उपयोग किए जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करके ऐसा प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों में आंधी तूफान की आशंका। पूरे देश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि देश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से कई राज्यों में आंधी तूफान की आशंका बनी हुई है और इसलिए उसने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। IMD ने कहा कि आज पश्चिमी हिमालय और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। फिर से शुरू हुई SMS के नए नियम की प्रक्रिया। जाने क्या है SMS स्क्रबिंग और कैसे होगा ग्राहकों को फायदा। ट्राई ने बताया कि SMS स्क्रबिंग की प्रक्रिया बुधवार से फिर से शुरू होगी। स्क्रबिंग प्रक्रिया के तहत हर SMS को यूजर्स के पास पहुंचने से पहले रजिस्टर टेम्पलेट से वेरीफाई किया जाता है। DLT ब्लॉकचेन पर आधारित एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम है और ट्राई ने सभी टेलीमार्केटर्स के लिए DLT प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसका उद्देश्य टेलीमार्केटर्स की तरफ से SMS स्पैम पर लगाम कसना है। होली पर भी चढ़ा कोरोना का रंग, घर में उड़ाए गुलाल। हुड़दंग मचाया तो खैर नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2 दिन पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली के त्योहार को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक होली रंगपंचमी पर ना सामूहिक भागीदारी के कार्यक्रम होंगे और ना जुलूस निकाला जा सकेगा। दिल्ली मेट्रो NCR बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।